तो विंडोज़ 11 आ चुका है दोस्तों, एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान होने वाली है जिसके पीसी में सिस्टम रिक्वायरमेंट एरर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको विंडोज़ 11 का ISO डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस गूगल में जाके सर्च करना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, टॉप में ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली रिलीज़ हो गया है क्योंकि ये। एंड आपको यहाँ से डिस्क इमेज डाउनलोड कर लेनी है, ये दोनों नहीं करनी है आपको, आपको डिस्क इमेज डाउनलोड करनी है। एंड डिस्क इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये ISO फाइल में होगा, आपको विनरार से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको ये सारी फाइल दिख जाएंगी, आपको बस पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या एरर आ सकती है। तो इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये चेकिंग पीसी आ चुका है, अब यहीं पे सबको प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे एरर बता देता है। तो मेरे डिवाइस में प्रोसेसर का दिक्कत है, ये पुराने वर्जन पे सपोर्ट नहीं करता। मेरा ये सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है AMD का, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो बाईपास ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को ये सोर्सेस फोल्डर खोलना होगा, एंड एक DLL फाइल है वो सर्च करना होगा, एप रेजर रेस डॉट DLL, इसको बस सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है, एंड बस काम हो गया। अब फिर से तुम लोग वहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो। अब ये सिंपली इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, एंड वो जो चेकिंग डिवाइस का ऑप्शन आता है वो ऑन ही नहीं होता है, तो बिना सिस्टम रिक्वायरमेंट के ही विंडोज़ 11 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये रिस्टार्टिंग विंडोज़ का ऑप्शन आ चुका है, अब ये सिंपली आपका विंडोज़ रिस्टार्ट होकर विंडोज़ 11 का सेटअप ऑन हो जाएगा, एंड आप वहाँ से विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हो। अगर तुम भी एक यूट्यूबर हो और अपने ऑडियो के क्वालिटी को इन्हेंस करके अपने व्यूज़ को बढ़ाना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो, या फिर अपने सेटअप को इन्हेंस करना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो देखो। तब तक के लिए मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।